कोर्ट ने कठुआ में हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड की सुनवाई चंडीगढ़ में कराने और इसकी जांच सीबीआई को सौंपने की याचिका पर विचार करने के बाद इस मामले में कठुआ में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और वहीं कहा था कि इस केस की सुनवाई 7 मई को यानी कि कल होगी। बता दें, इस मामले में अदालत के पास इसका ट्रायल चंडीगढ़ शिफ्ट करने और मामले को सीबीआई को देने संबंधी याचिका मिली है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मल्होत्रा की पीठ ने कहा था कि वो दोनों याचिकाओं को सुनेंगे। बता दें, कठुआ गैंगरेप मामले में पीड़िता की पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था। वह इस मामले पर कठुआ गैंगरेप के मुख्य आरोपी सांची राम और उनके बेटे विशाल की याचिका पर भी सुनवाई करेगा और आरोपी सांची राम ने याचिका में केस को जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर करने का विरोध करते हुए कहा है कि केवल शिकायतकर्ता की सुविधा के लिए केस को जम्मू से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।